चालू हो गया है, हर एक चैनल चालू हो गया है, हर एक पर्ची पर जो भी आपको दिया लिखने पर और आपको आपकी चैनल को लिखने पूजा करें और आपकी चैनल को लिखने पूजा करें कैमरे को देखने Oh,
Thank you.
मंदिर में आओ, मंदिर में आओ,
रही है। बोर्ड डाल के चढ़ाएंगे, ओम ह्रीम ह्रीम श्री मरमसी अवसा अप्रचग्रेपुरग्राज रोम रोम नमः नमी नागस्य सोमादि सप्तदश गणधरे प्रियो पूर्णार्गम वापी स्वाहा। निजी हाथ में शांति लाभहि तो शांति धारा हम करे दीक्षा के तो आज हम पुष्पांजलि छे बन करे धन धन मिले पूजा हमारे पाप पामोचन करे मात भजती शांति शांति धारा परि पुष्पांजलि सपेता जय माता। हाँ चलिए सब जय माला के लिए उठिए सभी लोग। दो बार जाप्यम। हाँ जो ऊपर वाले लोग हैं वही खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, अपने 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 अभी जय माला के हम लोग सब उठेंगे। नौ बार उपदेश के बारी में काली है समोसा
बना रखे। हाँ अपने अपने स्थान पर पहुंचिए सभी लोग, नहीं तो आपका हार बाकी रह जाएगा। अपनी थाली में स्थापना किया हुआ है, आप थोड़े लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचेंगे। मंत्र बोलता हूँ, इधर उधर से कैमरा लगाओ, इधर कोई नहीं। जय मलाल के चरण में अपने अपने स्थान पर जाइए। अरे अधिक सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचे। देखिए पूजा का वैभव, कितने लोग पूजा में बैठे हुए हैं। आज रविवार का दिन है, जिसको टाइम नहीं है वो भी टाइम निकाल करके आया है, ताकि पार्क चैनल में उसका मुंह दिख जाए सब लोगों को, और पूजा का भी मिस दोनों कम हो जाए। एक पंच दो काज। हाँ चलिए जल्दी जल्दी चलिए। ओम रीम ओम रीम श्री नृमश्याव साहब आप प्रत्यक्ष फट जंग्राय द्रोम द्रोम वहाँ नमी नानक्ष्य सोमादि पादक सप्त दश कर्णधरे प्यो जय माला पूर्णागम निरुपामिते स्वाहा शांति शांति धारा कर्णधर श्री भगवान जी रेत से दातार है करो मेरे दाताने रविया मैया कदा पुष्पांजलि पुष्पांजलि यक्ष यक्षिणियों के आगे चलाएंगे नमीनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणियों के आगे। नमीनाथ के शासन रक्षक विद्युत दया वाणी है आओ देखो आदि हमारे करके यही के बेदरी है ओ सीतारो तेरा अरे आप श्री सीतारो दिन भर भी मुझसे खानी को मैं अपने संग देता दो ओ हम ओम भी नमीनाथ कीर्तन करे से विद्युत प्रदक्ष आएगा इला सामने इदम मर्गम पाकम जलमन्दमक्षितम पुष्पम चरुम दीपम धूपम फलम मरीन स्वस्तिकम च यत्र भगवान जाने प्रतिग्रहण अर्चन समर्पयामि स्वाहा नमीनाथ के शासन ते विद्यांता चलिए बढ़ते हैं कुतुबगिरी क्षेत्र के मूल नायक कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के आराधना की ओर। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पूजा। आज रविवार का दिन पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया और गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव का चरण सानिध्य करते हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पूजा आराधना।
हाँ एक मिनट, एक मिनट। हाँ देखिए, हम सब लोग भारत चैनल पर हैं और अभी मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देखिए 56 प्रकार की मेवा मिष्ठान आदि आदि सब सजाए हुए हैं और पार्श्वनाथ भगवान की पूजा अर्चना आदि हम सब लोग करेंगे। आप सब लोगों को भारत चैनल पर दिखाई देंगे, अच्छी तरह से करेंगे। जिन जिनका नाम लिया है, जब हमारी जय की व्यवस्था बनाएगी उसके हिसाब से उनको एक एक थाली अपने देंगे। लास्ट जय माला में उसी के साथ हम करेंगे आगे। हाँ अभी हमारे पंडित जी देखो माइक लेकर के खड़े हो गए हैं। पंडित जी है ये ब्रह्मचारी जी, पंडित जी है ब्रह्मचारी जी भी है और पंडित जी भी है और प्रतिष्ठाचार्य भी है। देखो यार ये कहते हैं 2 मिनट में निपटाना है, आगे आपको बहुत सारा काम है, 2 मिनट में निपटाना है। चलिए साहब रुपया
₹41,000 ₹41,000 मन की बात मन में रह जाएगी, खो दीजिए भंडार, कभी कोई प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी। जिसके ऊपर जो अनाथों के नाथ है वो पारस डालते हैं, और जिसके ऊपर पारस का हाथ है वो देखिए। इतनी संख्या अच्छी नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, चलिए भाई चलो, इकतालीस इकतालीस नहीं चलेंगे, गुरुदेव आदर से आगे बढ़िए, प्रणाम निर्मल अच्छे गुरुदेव सामने बैठे, इनमें से तुम कौन सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की भारत चैनल चालू है, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा चालू है, एक बोली लो है, अरे ऊपर का ऊपर लिया तुम, यहाँ करना है नहीं कर, ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए इकतालीस हजार रुपया दो गुरुदेव, गुरुदेव ये सामने कर रहे हैं, ये भी बोली ले सकते हैं क्या? जी जी हाँ जी, गुरुदेव ने आदेश दिया है, आप में से भी कोई अपना प्रणामों की निमंत्रता रखना चाहे रख सकते हैं, चलिए सर आप भी बोली बोल सकते हैं, शुद्ध वस्त्रों की यहाँ पर व्यवस्था है, और आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, गुरुदेव का आदेश है, मेरा आदेश नहीं है। हाँ चलिए आगे बढ़िए, इकतालीस हजार एक सौ इकतालीस रुपया। नवीन भाई आगे बढ़ो, किसकी बोली आपकी है? हाँ 51,000 बढ़ो उनका, 51,000 रुपया। अरे लुटे नामा लुटे नामा लुटे नामा रे, लुटे नामा लुटे नामा लुटे नामा रे, मेरी मामा का खजाना लुटे नामा रे, मेरी मामा का खजाना लुटे नामा रे। हाँ लूट जाना मेरे बाबा का खजाना, जिसने बाबा का खजाना लूट लिया उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। आगे बढ़िए, 51,000 कितना? 55। अरे यार क्या 55 निकल गया, से निकल गया है, 55 करूँ कितना करूँ, कितना करना मेरी कितना करना, फैसला करो यार, 55 फाइव साथ में लेगी भाई, 55,555 रुपया। बोलो जय नारा देखो सारा नारा नाम साहब, आगे इनकी पूजा करने को कहाँ खड़े होंगे? हाँ ठीक है, चलिए साहब आपका परिवार कौन कौन है जल्दी लेकर के जाइए, अपने पास टाइम बहुत कम है और पूजा भी होनी है, प्रवचन भी साधु के होने हैं, चलिए फटफट उठिए साहब।
पांचेली स्थापना के लिए मंडल पर बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ जी, चिंतामणि पार्श्वनाथ जी सचिने बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परत पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतुसागर से गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। हाँ चलिए वहां मठ पहुंचिए, स्थापना वहां कर रहे हैं, मंडल पर पहुंचिए। ये चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो जनरल निकल जाएगा। चलो चलो जल्दी जल्दी चलिए। हमारी विनती सुनो चिंतामणि पार्श्वनाथ, चिंतामणि पार्श्वनाथ चिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोषट आह्वानन जय जय हो। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ चिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापणम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ चिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वशत् सन्निधीकरणम जय हो जय हो। जल लीजिए, हाँ इनको जल लीजिए सर, जल लीजिए। चिंतामणि 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 सब चिंतामणि चिंतामणि हो मेरी चिंतामणि बना दो मेरी बिगड़ी पारसमणि बना दो मेरी चिंतामणि बना दो मेरी बिगड़ी पारसमणि शीलों दिसम चिनेन्द्राय जन्मजरामृत्यु विनाशिनाय जलम निर्वपामिते चंदन शीतल जगमाय तुम सभी है नाही मेरे कर्म कलंक मिट जाय आइए आगे आइए आप चल दीजिए।
समय का अभाव है, थोड़ा सा जल्दी कीजिए, समय का भी अभाव है, समय का ध्यान रखिए। इसे जग में स्मरण को ये जन्म मरण करे, अक्षय पद ते जय हो ये आयो शरण तेरे। चिंता मन पारस नाथ चिंता दूर करे, मन चिंतित भूत के पास प्रभु धरे दिन पूरे। मन चिंतित भूत के पास प्रभु धरे दिन पूरे। बार सप्याना अक्षय पद प्राप्त है, अक्षता निर्वपामिते स्वाहा। आइए पुष्प लीजिए, पुष्प लीजिए। यह कामी महाविकराल सबको रंग करे, चेतो इत प्रभु तत्काल निज कर रंग करे। चिंता मन पारस नाथ चिंता दूर करे, मन चिंतित भूत के पास थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। गाड़ी बहुत स्लो चल रही है आपकी। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिते स्वाहा। नेमित लीजिए। नाना विध व्यंजन थाल भर भर के लायो, मैं तो खुदा दीने गया चिनेन्द्राय क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिते स्वाहा। इंद्रजी, नवीन जी, आप वहीं रुकिए, आप चक्कर मत लगाइए, बाकी लोग रुक के आ जाएंगे आपके पास। आप वहीं सामने भक्ति करिए। चलिए नीचे दीपक लीजिए। दीपक की ज्योति जगाए तारे तुम में आके, सत लोभ निर्लज जाए मातम होते जागे। चिंता मन पारस नाथ चिंता दूर करे, मन चिंतित भूत के पास जो प्रभु शरण जोरे। मन चिंतित भूत के पास जो प्रभु शरण जोरे। सांवरिया पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा। धूप लीजिए। यह धूप दशा के मिटाय अग्नि माही धरू, बस करम से नजर जाय मुक्ति रमा को चिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वपामिते स्वाहा। आइए
आइए फल लीजिए। फल लीजिए। ना ना विधि फल धर धान ले कर जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिते। आइए अर्घ्य लीजिए। वस्तुमि द्रव्य मिलाय अर्घ्य जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। पंच कल्याणों की अर्घ्य हाँ मंडल पर चढ़ेंगे। मंडल कल्याण जाएगा मंडल पर चढ़ेंगे कल्याण की अर्घ्य। चलिए साहब पार्श्वनाथ पूजा के चक्रवर्ती चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पूजा उनके पंच कल्याण अर्घ्य मंडल पर चढ़ेंगे। हाँ चलिए साहब चालू करिए। पक्ष वही शाख की शाम दुटी आभण कर कल्याण को रोज तो ही गणो देव देवेंद्र सिंह मधु से मैं सदा मैं सचो निज जो विघ्न हो मैं बिना। ओम हिम वैशाख कृष्ण द्वितीयाय गर्भ मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यं निर्वपामिते। पौष की शामी एकादशी पौषधी जन्मनी नवजगन्नाथ करी महिमे नाके नागेन्द्र ने मेरु में पूजिया मैं जो जाय के भक्ति धाम दशम जन्म मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यं निर्वपामिते। कृष्णे एकादशी पौष की तपो मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यं निर्वपामिते। चैतकी ज्योतिषा कृष्णचतुर्थ्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यं निर्वपामिते। सप्तमी शुद्ध ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला सप्तम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय
श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। मंत्र जाप लीजिए लोपान। हाँ यही अपने अपने थाली में वो लोग वहाँ कर लेंगे है। हाँ वही लोग कर लेंगे, नहीं ये सब उठेंगे वापस आएंगे तो व्यवस्था गड़बड़ होगी। आप लोग चारों कोनों में डिवाइड हो जाइए, एक एक जना चारों कोनों पर हो जाइए अपने से। हाँ धूप घटों में धूप फेंकते हुए करेंगे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मंत्र आराधना। नवीन कुमार जी यहाँ पर, नवीन कुमार जी आगे आकर के लोग से जाप करेंगे आप। नवीन कुमार जी आगे आइए। हाँ लोग का, हाँ लोग नवीन कुमार जी लोग से करेंगे, बाकी सब धूप से करेंगे। हाँ तैयार हुआ? हाँ तैयार। कुंड तैयार नहीं हुआ अभी, अग्नि हुई, अग्नि प्रज्वलित करिए कुंडों में। बोलिए सर, मंत्र बोलिए महाराज जी। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। लीजिए जय माता। जय माला के लिए खड़े हो जाइए। चलो बुला एक मिनट। हाँ जय माला की सुनो रे, जिन्होंने 1100 को लिया है सिर्फ दो आदमी, एक थाली को दो आदमी पति पत्नी 1100 को लिया है, वो अपना अपना एक था, एक एक थाली उनके हाथ में लिए। मंडल सुनो, मंडल की 3 प्रदक्षिणा लगाएंगे और उसके बाद करेंगे। जिन्होंने 1100 को लिया है सिर्फ दो आदमी, अपने परिवार पति पत्नी, पति पत्नी अकेले हैं तो अकेले, लेकिन ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। जिन जिन महानुभावों ने नैवेद्य की थाली आरक्षित की है वह थाली लेकर के जयमाला गाते हुए भक्ति नृत्य करते हुए करेंगे मंडल की परिक्रमा और करेंगे भगवान की जय माला। एक मिनट। हाँ जिन जिन्होंने 1100 को लिया है वो अपना अपना एक एक थाली उठाइए। हाँ दीदी व्यवस्था बना रही है, दीदी व्यवस्था बना रही है, दीदी के पास जाइए, थाली लीजिए, जय माला बोलेंगे, मंडल की परीक्षणा लगाएंगे और अर्घ चढ़ाएंगे। पायरे से नाम बड़ा प्यारा, इने की चरण शरणिया, पायरे से नाम बड़ा प्यारा, इने की चरण शरणिया।
Thank you.
चलिया वापस इधर ही रहिए सभी लोग। हाजी हाजी जो जिन्होंने बोली लिया है वो वहाँ चढ़ाएंगे, बाकी सब इधर आइए। 1100 वाले सब पीछे मंडल के ऊपर कोई भी नैवेद्य की थालियाँ नहीं चढ़ाएंगे। नैवेद्य की थालियाँ जहाँ से उठाए थे वहीं रखनी है। नैवेद्य की थालियाँ जहाँ से उठाई थी वहीं रखनी है। नैवेद्य कोई भी मंडल पर नहीं चढ़ाएगा। हाँ चलिए सब हम लोग सामने आइए। तामनि पारस चरण ध्यान मणि वचिका रोग शोक दुख दूर हो जिनेन्द्राय जय माला सहित पूर्णार्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। आप सुनो, कोई पटका पटकी नहीं करेगा। जहाँ से उठाए वहाँ आदमी खड़े हैं उनके हाथ में दीजिए आप वापस, उसके जहाँ से उठाए सब लोग वापस रखेंगे। चलिए साहब चलिए। हाँ बोले चिंतामणि पारसनाथ की, भारत गौरव गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी नैवेद्य चढ़ा करके अपने अपने स्थान पर जाएंगे। शीघ्रता करिए। हाँ अपना अपना स्थान पर वापस रखिए। निवेद्यम टेबलों का कलशों का समोसरण आदि का ध्यान रखते हुए आवागमन करें। नैवेद्य चढ़ाइए और अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। हेलो एक और सूचना, जानी सवाल नहीं रखने पर चावल रसीद करा। अभी पूज्य गुरुदेव की पूजा होनी बाकी है। पूज्य गुरुदेव के अमृत वचनों को सुनना बाकी है। चलिए जीव महानुभाव ने जिन महानुभावों ने 1100 रुपये में नैवेद्य की थाली दी है वो महानुभाव ऑफिस में 1100 रुपये जमा करा। पहले पूज्य गुरुदेव के प्रवचन होंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। पूज्य गुरुदेव की वाणी हमें सुननी है। गंधर्व वलय आराधना महामहोत्सव में वर्तमान के गंधर्व गंधराचार्य गुरुवल सिंह कुंतो सागर से गुरुदेव की दिव्य वाणी हमें सुनने का लाभ यहाँ प्राप्त हो रहा है। समोसरण में विराजमान होकर जो भव्य जीव गंधर्व की दिव्य ध्वनि के श्रवण करते थे वही पुण्य वही अवसर वही लाभ आज हमें इस समोसरण में विराजमान होकर वर्तमान के गंधर्व गंधराचार्य श्री कुंतो सागर से गुरुदेव के मुखारविंद से तीर्थंकर की वाणी सुनने को मिल रही है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। देखिए सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सभी चक्रवर्तियों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार महान द्रव्यों से दिव्य द्रव्यों से भगवान की पूजा कर ली। अब गंधर्व की वाणी अब गंधर्व गुरु जगत गुरु गणाधिपति गंगाचार्य कुंतु सागर जी की दिव्य ध्वनि छिड़ेगी जिसका हम सब आनंद लेंगे। सभी ध्यान से विराज सभी अपने अपने स्थानों पर सभी लोग हाथ जोड़ेंगे पूज्य गुरुदेव को निवेदन करेंगे। ऊपर मत चढ़िए लाइव प्रोग्राम चालू है। अभी क्या होने वाला आपकी निवेदन सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। हे गंधर्व गुरुवर आप हमें
अपनी दिव्य वाणी का पान कराकर हम अज्ञानी बालकों को धर्म का बोध कराएं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। सभी विराज जाएंगे अपने अपने जगह पर। नवीन जी आपको शक्ति मिली क्या? विराज जी एक सूचना आ रही है। हाँ ठीक, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चुप होगा। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। कल होली पर्व है और साथ ही साथ पूर्णिमा है। कुंतोगिरी क्षेत्र पर विराजमान मूल नायक कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का होली के पावन अवसर पर सतरंगी महामस्तक अभिषेक का आयोजन हर साल किया जाता है। उसी प्रकार इस साल भी मूल नायक श्री कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का सतरंगी महामस्तक अभिषेक आयोजित है। उसमें 108 दूध के कलशों के द्वारा जिनेन्द्र भगवान का मस्तक अभिषेक किया जाएगा। वे 108 कलश जिन इंद्रों के हाथों से धोले जाएंगे, धारे जाएंगे, वे इंद्रगण उस कलश को एक फिक्स राशि जो निश्चित की गई है उस राशि में क्रय करके जिनेन्द्र भगवान के मस्तक पर उन दूध की धाराओं को छोड़ सकते हैं और होली के पावन अवसर पर अपने कर्मों की होली कर सकते हैं। उन कलशों की राशि एक कलश 5100 रुपये, एक कलश की राशि 5100 रुपये है। कुल 108 कलशों के द्वारा जिनेन्द्र भगवान का दुग्धाभिषेक होगा। जिनेन्द्र भगवान के दुग्धाभिषेक करके आप अपने कर्मों की होली कर सकते हैं और अपने उस पुण्य का अर्जन करते हुए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनवाणी चैनल पर नीचे संपर्क सूत्र पट्टी दी जा रही है। पारस चैनल पर संपर्क सूत्र पट्टी दी जा रही है। उसमें जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं वे भी संपर्क करते हुए कलश को आरक्षित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव से निवेदन, हे गुरुदेव आप अपने उपदेश से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंगलम भगवान विरो मंगलम गोतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाचो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जेतु शासनम दिवलो 1800 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की दिवलो 1800 महावीर भगवान की जयबरो 1800 संबे शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय जयबरो 1800 1452 गणतंत्र भगवान की जय परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय परम गुरुदेव आचार्य श्री सन्मल सागर जी महाराज की जय इनकम नो करोड़ मुनिराज की जय अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले वर्तमान के गंधर्व गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जयकारा। हाँ देखिए अष्टालिका महापर्व, ये अष्टालिका महापर्व साल में 3 बार आता है। अषाढ़ शुक्ला अष्टमी से लगा करके अषाढ़ पूर्णिमा चतुर्दश पूर्णिमा तक, फिर फागुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक, कार्तिक शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक। साल में 3 बार अष्टमी का महापर्व आता है। ये महापर्व के अंदर देव और विद्याधर, विद्याधर भी नंदीश्वर दीप नहीं जा सकते, मात्र वो चांस देवों को है। देव लोग चाहे भवनवासी हो, चाहे वंतरवासी हो, चाहे ज्योतिषवासी हो, चाहे कल्पवासी हो, चारों निकाय के देव और देवियां अपने सप्त प्रकार की विभूति है उसको साथ में लेकर के नंदीश्वर दीप जाते हैं।
और वहां जाकर के चारों अलग अलग चार दिशा के चार निकाय हैं, भवनवासी दूसरे कक्ष में, अंतरवासी तीसरे कक्ष में, ज्योतिषवासी चौथे कल्प में, कल्पवासी स्वर्ग सोधर मंदिर से लगा के सौरवें स्वर्ग तक अलग अलग वैभव पूर्वक नाना प्रकार की पूजा द्रव्य दिवेन गंधेन दिवेन चूर्ण दिवेन वासेन दिवेन नाणेन नाम दिव्य दिव्य पदार्थों को लेकर के जो हमको उपलब्ध नहीं होता, इस प्रकार के दिव्य पदार्थों को लेकर के नंदीश्वर में रहने वाले 52 चेताले हैं। उन 52 चेतालों की खूब भक्ति भाव से पूजा करते, कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वहाँ संसार है नहीं, वहाँ व्यापार नहीं, धंधा नहीं, कुटुंब नहीं, परिवार नहीं, सिर्फ पति पत्नी देव और देवी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और ये अष्टालिका महापर्व में अपना स्थान को छोड़ करके और नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और वैभव के साथ महासंगीत के साथ अपनी अपनी वाणी से जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। ये जिनेंद्र भगवान की आराधना मात्र नारकियों को लाभ नहीं मिलता, बाकी सम्य दर्शन के नजदीक है सम्यक प्राप्त करने वाले ऐसे तिरंज भी ये महापूजा समोसर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद मनुष्य में भूमि गोचरी और विद्याधर लोग वो भी अष्टांगिका का पर्व में जहाँ तक वो जा सकते हैं वहाँ तक जाकर के जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और मनुष्य पर्याय में मनुष्य लोग हैं वो नंदीश्वर नहीं जा सकते, लेकिन हमें शक्ति सो ना ही आकर स्थापना, हमारी शक्ति नंदीश्वर द्वीप में जाने की नहीं है, इसलिए हे भगवान हम आपके चरणों में बैठ करके हमारे मंदिर में हमारे ग्रह चेतालय में नंदीश्वर द्वीप की स्थापना करके और देवों के द्वारा पूजित जो भगवान हैं 52 चेतालय हैं चैत्य हैं अग्रदीप चेतालय कभी उसका विनाश नहीं होता, अनादि अनंत काल तक वैसे के वैसे रहते हैं। ऐसे भगवान हम आपकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद विद्याधर भी कल्पवासी देव भी जाकर के जिनेंद्र भगवान की आराधना मनुष्य और मनुष्यनी भी अपने अपने अनंत भावों में जो हमने पाप कमाया है या वर्तमान पर्याय में आप गृहस्थी हो श्रावक हो मात्र आरंभी उद्योगी विकल्प संकल्पी उद्योगी विरोधी संकल्पी इस प्रकार के रात दिन आराम और परिधान करके हम लोग पाप कमाते हैं, इसलिए उस पाप को धोना है, उस पाप को धोना है तो उसका मार्ग क्या है? ये मार्ग जिनेंद्र भगवान की आराधना पूजा अर्चना और जो पाप के द्वारा झूठ चोरी कार्य आदि किया हुआ जो पाप है उस पाप को धोने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, मात्र जिनेंद्र भगवान की पूजा और अर्चना है। जिनेंद्र भगवान की पूजा का फल महावीर शास्त्र ने बताया है, दर्जा भावे न प्रमुर्पना क्षणाताशी स्वर्ग, इस प्रकार का उन्होंने विवरण किया है। एक श्रावक विकल्प में आ गया, प्यास लगी, सामयिक काल में मरण हो गया, पानी पीना है, वो वहां से उसके कुएं में बैठक हो गया, स्थल पर भगवान महावीर का समोसरण आया, राजा का सैनिक ने पूरे नगर में ढोडी पिटवा दी, भगवान महावीर का समोसरण विपराचल पर्वतवाई है, सभी लोग जो क्या है जिनेंद्र भगवान की पूजा दर्शन करेंगे। मेढक संगी है पंजेन्द्रीय में उसने भी सुना, उसको सुनेगा उसको जाति स्मरण हो गया, अरे मैं तो श्रावक था और ये क्या होगा तेरे प्रयाग में आ गया,
भाव की बड़ी कठिनता है। इस जमन में कौन से विकल्पों में अगर हमारा मरण हो जाता है उसी पर्याय जाना पड़ता है। अब उसके बाद तो देखा सब लोग तो अपना मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन भक्ति भाव को लेकर के एक पुष्प की पुष्प का कली या पुष्प की पावली अपने मुंह में लेकर के वो साधु के साथ वो भी निकल पड़ा। चला इतने सारे लोगों के बीच में वो मेंढक की क्या हालत, राजा सैनी के हाथी के पांव के नीचे आया और मर गया। भाव क्या थे? जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना उस भावों को मर करके स्वर्ग में देव हो गया। अब ध्यान लगाया पर्याय मालूम पड़ गई। अरे मैं तो भगवान महावीर की पूजा के लिए निकला था ना, दर्शन हो गया बस जल्दी जल्दी तैयार हुआ और वही जो सामान उसको लेकर के और भगवान के सम्मोषण के दर्शन के लिए निकला। उन भाव में मरण हो गया, वो जाकर के स्वर्ग में देव हो गया। उससे तुरंत अपने सामान लिया और मुकुट में मेढक का तेल लगा करके भगवान के महावीर के पहले जाकर के बैठ गया। राजा सैनिक नहीं पहुंच पाया और पहले जाकर बैठ गया। राजा सैनिक या सोदर्भ इंद्र देखता है नया नया मेढक का तेल मुकुट में लगा उन्हें भगवान महावीर से पूछा गया। भगवान महावीर ने कहा ये जीव की परिणति कैसे परिणतों में तेरे पर्याय प्राप्त कर ली और अच्छे परिणतों में मेरी पूजा अर्चना के लिए निकला, वो स्वर्ग में आकर के देव हो गया है। पूजा अर्चना के भाव से ये मेढक था इसलिए उसने अपने मुकुट में मेढक का चिन्ह बनाया और मेरे समोसे में पूजा के लिए आ गया। देखिए ये दृष्टांत है, कहानी है, कथा है। माता हमको ये समझना है कि हम देव पूजा गुरु उपास की षट कर्मों में होता है। देव पूजा गुरु उपास से पहले देव पूजा, ये देव पूजा का वैभव सभी लोग अपने भक्ति भाव से उठाते हैं और अपने कर्मों को क्षय करके स्वर्ग मोक्ष को ले जाते हैं। आज हम सब लोग ये कुंतुपुरी के सभा मंडप में 1452 गंधर्व वाले विधान हम लोग कर रहे हैं। समोसरण की रचना है, हमने 24 चिंतन करके समोसरण की स्थापना की है। 1452 गंधर्व गंधर्वों की मंडप पर उनकी स्थापना की है और आज आप सब लोग अपना अपना अनुसार त्रिवेंद्र भगवान की पूजा और अर्चना कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। आपका श्रावक पर्याय, आपकी ग्रस्त पर्याय, उसके अंदर होने वाले पाप, उन पापों के क्षय का एक यही कारण है। हम या तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन अपने घरों में जिन जिन के घरों में चेतालय हैं या गांव में जिन मंदिर हैं तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो और अष्टद्रव्य का सामान अपने हाथ में लेकर के मंदिर चले जाइए और अपनी शक्ति के अनुसार जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना अभिषेक करिए करिए अवश्य करिए। नहीं करोगे मेढक सामायिक करते करते मर गया और मेढक पर्याय में आ गया। आप तो 24 घंटा सामायिक नहीं करते, पूजा नहीं करते, अर्चना नहीं करते, अरे कुछ क्षणों के लिए आप क्या करेंगे? अष्टद्रव्य लेकर के जिन मंदिर जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, शुद्ध कपड़ा पहन करके भगवान का पंचामृत अभिषेक करिए, फाट फाट से पंचामृत अभिषेक पंचामृत। उसके बाद ये देखो कुंतुपुरी का वैभव, ये 56 प्रकार की मिठाइयाँ, ये नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार का जो है द्रव्य उसको लेकर के हम भगवान की 1452 गंधर्व विधान की हम आराधना कर रहे हैं। ये हमें मनुष्य को सार्थक करने का
एक बहुत बड़ा है पाए है। अभी हमारा टिकट न जाए क्या कट जाएगा कुछ मालूम है? कौन मरने वाला नहीं हाथ ऊपर करिए, कौन मरने वाला नहीं हाथ ऊपर करिए। देखिए मरण हमारे सामने है और इसके बीच में अगर हमारा गति के साथ आयु बंद हो गया तो वहां हमको जाना ही पड़ेगा। राजा शनि भगवान महावीर से पूछते, भगवान मैं इतने दिनों से आपकी पूजा और अर्चना कर रहा हूं तो मेरी गति क्या? भगवान महावीर, अरे बोले तू तो मर करके नरक में जाने वाला है। अरे ये क्या, इतने दिन से महावीर की चरणों की आराधना पूजा आदि आदि में सारा करता हूं वो तो भी नरक जाऊंगा। अरे शनि, तूने जो गलती की है, तूने जो अपराध किया है, उस अपराध का दंड तो तुमको नरक में ही मिलेगा। तुमको नरक गति का आयु के साथ बंद हो गया कब? जब मुनि महाराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया तुमने महामिथ्यात्व के उदय में, मुनि महाराज ने उपसर्ग किया, उस समय तुम्हारा नरक गति के साथ नरक आयु का बंध हो गया। इसलिए मैं भी तुम्हारी गति को जाने में रोक नहीं सकता हूँ। समझ में आ गया छोटो तो को? भगवान साक्षात तीर्थंकर वो भी राजा शनि के नरक में जाने के लिए नहीं रोक सकता। तो अभी हमारा क्या हाल है, आप लोगों का क्या हाल है? हम चले भले पूर्णी पीटे, ये हमारा तो ये हो गया, वो हो गया, कोई किताब सरवार सिद्धि में चला गया, कोई किताब को चांद में दिख रहा है, कोई किताब को सूर्य में दिख रहा है, कोई घर में फिरते फिरते दिख रहा है, ये सब विकल्प है। समाधि मरण उसी का होता है जो अंतिम समय हमारा मरण के समय कैसा ध्यान है, कैसा उपयोग है, उसी के हिसाब से हमको गति मिलती है। और वो गति निश्चित कौन करता है? करता है, शुभ भाव है तो पुण्य बंद होगा और देवगति प्राप्त होगी, और अशुभ भाव है तो मनुष्य प्रेम में चले जाओगे, इंद्रिय प्रेम में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। तुमको कोई नहीं डाल सकता, कुंतु सागर भी तुमको बचा नहीं सकता और भगवान परशुराम वो भी तुमको बचा नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करना है, अपने भाव अच्छे बनाना है, अपने भाव सरल बनाना है, अपने भाव पुण्य के हिसाब से बनाना है और पूजा द्रव्य आदि आदि से करना है। देखिए आप कुछ भी कहिए, किसी परंपरा को पंथ परंपरा को पालन करिए। जब हम पूजा करते हैं तो हमको बोलना तो वही पड़ेगा, चाहे चढ़ाई तो अलग बात है, लेकिन वो तो चढ़ा रहे पुष्पम निर्वाम अरे बोलना था हमको वही पड़ेगा, मार्ग तो सच्चा मार्ग वही है और वो चढ़ाए कंजूसी। आप अपने बच्चों की शादियों में नाना प्रकार में हजारों रुपया फूक देते, वहां सोचते नहीं ये हमारा कमाया हुआ पैसा पाप में जा रहा है। इसलिए